टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज जारी है। आपको बता दें कि हर दौर में भारतीय क्रिकेट के दो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है और जिनका कद काफी बड़ा है, चाहे वो कपिल देव और सुनील गावस्कर का दौर हो, सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन का दौर हो, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा का दौर। ये दोनों ही बल्लेबाज अपने आप में एक महारथी हैं। आपको बता दें कि एक बहुत लंबी पारी खेलना जानता है तो दूसरा लगातार मैच जिताना जानता है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि रोहित इन दिनों टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसके बाद रोहित शर्मा के फैंस ने विराट कोहली को निशाना बनाया। विराट कोहली को निशाना वो भी इस वजह से बनाया गया क्योंकि जब टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट खेलने से पहले इंग्लैंड में उच्चायुक्त से मिलने गई थी तो उनके साथ, विराट के साथ, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी थी और अनुष्का को लेकर यूजर्स ने जमकर उन्हें ट्रॉल किया, जिसके बाद रोहित शर्मा इस चीजों को लाइक करते हुए नजर आए। इसके बाद ट्विटर पर वॉर शुरू हो गया और सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। कई लोगों ने ये कहा कि रोहित शर्मा को बाहर निकालकर विराट कोहली काफी खुश हैं। कई लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा अब वनडे और टी20 सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे। वहीं कई लोगों ने कहा कि विराट ने अपने मतलब के लिए रोहित को बाहर किया है। खैर, यूजर्स का काम कहना है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि विराट और रोहित के बीच सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के ख्वाब को इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।